पीलीभीत में इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के नज़दीक पड़ता है ये और यहाँ पर हज़रत शाहजी मियाँ का एक सौ इक्कीसवा उर्स मुबारक जो है मनाया जा रहा है यहाँ के खादिम मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ रियाज़ कदीरी साहब से ये बताइए ये कितना उर्स है और हज़रत की जो है कैसी शख्सियत रही है और किस सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं बताइए हाँ हजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीती भीती रदी अल्लाह तुका एक सौ उर्स है और आप नक्शबंदी कादरी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं और आप एक कदीमी बुज़ुर्ग हैं और आपकी बहुत बड़ी शख्सियत है और आपका सबसे बड़ा सबसे बड़ी जो करामत है वो ये है कि जब आप हज के लिए तशरीफ़ ले गए तो आपने 21 दिन तक वहाँ पर ना कुछ खाया ना पिया पंद्रह दिन तक ना कुछ खाया ना पिया एक इलाची का दाना बतौर तब्रुक आपने रखा जब लोगों ने कहा कि हज़रत इस तरीके से कैसे चलेगा आज आपको पंद्रह दिन होगा या आपने ना कुछ खाया ना पिया तो आपने कहा कि जब मैं कुछ खाऊंगा पीऊँगा तो मुझे बोलो बराज की हाजत होगी और मैं किस दिल से अपने आका की सरज़मीन पर बोलो बराज करूँगा मेरे दिल को ये गवारा नहीं है लिहाजा मैं कुछ ना खाऊँगा ना पीऊँगा जब आप सुनहरी जालियों के पास पहुँचे तो जली बरदार ने आपसे कहा कि हजूर सरकार मुझे बार बार बिशारत दे रहे हैं कि हमारा हिन्द एक गुलाम आ रहा है उसको मेरे पास भेजो तो लिहाजा जाली बरदार ने आपके लिए जालियाँ खोलें आप अलैहि वसल्लम की कीब्र अनवर पर तशरीफ़ ले गए वहाँ पर अनवर से आपको एक पान का बीड़ा इनायत हुआ सरकार दोआलम सल्ला वसम ने आपको पान का बीड़ा इनायत फ़रमाया कि हिंदी मेहमान के लिए हिंदी तोहफ़ा और इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है और ये जो सरकार अल्लाह मियाँ की दरगाह है जो हैं ये आपके सबसे बड़े खलीफे आज़म जिनको कहा जाता है ये सरकार अल्लाहमिया की शख्सियत है जो पेशावर से सात सौ दस मील पैदल चल के अपने पीर के लिए तशरीफ़ लाए यहाँ पर आप बरेली में डोमनी की मस्जिद है वहाँ पर आपने क़याम किया और वहाँ पर क़्याम करके कहा कि या रसूल अल्लाह आज मुझे इतने दिन हो गए मुसाफत तय करते हुए मुझे पीर की तलाश मेरी पूरी ना हुई तो रात में सरकार दो आलम सल अल्लाह तसल् तशरीफ़ लाए और कहा कि बेटा पीली शरीफ चले जाओ और शाजी मियाँ के हाथ पर बैत हो जाओ जब आप सुबह उठे फ़जर की नमाज़ के बाद तो आपने वहाँ पर लोगों से कहा कि यहाँ पर शाजी मियाँ पीलीभीत कहाँ पर है क्योंकि आप तो पेशावर के थे तो एक ग़ुलाम आया कि हुजूर मैं शाजी मियाँ का मुरीद हूँ मैं आपको पीलीभीत ले चलता हूँ जब आप शाजी मियाँ के पास तशरीफ़ लाए तो शाजी जी मियाँ ने फ़रमाया कि आइए मौलवी साहब आइए तो आप तशरीफ़ लाए और कहा कि हुजूर मैं तो पहली मरतबा आपके पास आया हूँ आपने मुझे कैसे पहचान लिया तो आपने फ़रमाया कि जो शख्सियत तुम्हें ख्वाब में मेरा पता बता सकती है तो मुझे नहीं बताएगी कि मेरी हाल आ रही है इसको मुरीद कर लेना इससे आपकी सनद ये हो होती है कि आप अहले सादात हैं इसकी सनद सरकार वसल्लम ने शाजी मोहम्मद शर मियाँ को दी और शाजी मियाँ ने तमाम ज़माने को दी कि यह आले रसूल है हुजूर सरकार अल्ला हुँ मियाँ हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह तुके औलाद में से हैं आपके साहबजादे हज़ूर ताज लौलिया पिरो मरशीदाज शाहक़दीर मियाँ पीली भीती ऱी अल्लाह तन जिनका मजार अक़द सामने है आप उनके साहबज़जादे हैं और इनके साहबजादे हज़ू हज़रतल्लामा मौलाना अल्हाज शाह सैद अब्दुलरशीद मियाँ कबिल आलम जिनका लकब है ऱी अल्लाह तु उनकी मजार शरीफ पाकिस्तान कराची में है और ये उनके साहबजादे हैं और हम तमाम अहली सिलसिला जो है वो इस दरबार से वाबस्ता हैं इस दरबार के ख़िम हैं इस दरबार के ग़ुलाम हैं दुनिया भर से जो ज़ायरीन आते हैं यहाँ कैसे फैजियाब होकर के जाते हैं बस जिसकी जो मुरादें होती हैं अल्लाह की मर्जी होती है इन बुज़ुर्गों के करम होता है नज़र करम हो जाती है जिसके ऊपर तो तमाम ज़ायरीन जो जो मुरादे लेकर आते हैं वो यहाँ पर से पूरी होकर जाती हैं ख़ास तौर से औलाद के ख्वाहिशमंद यहाँ पर बहुत आते हैं जो यहाँ पर उनका इलाज होता है इन बुज़ुर्गों के करम से अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाता और जो भी मुरादें लेकर आते हैं अल्लाह ताला उनकी मुरादें पूरी फरमाता है शाहजी मियाँ के दरबार में देखा पेशियाँ भी पड़ती हैं वो किस तरीके से रहता है सिलसिला बस वो कुछ उस मामले में मैं कुछ नहीं कह सकता कुछ जन्ाती मामला होते हैं जिनकी वहाँ पर अर्जियाँ लगी होती हैं तो उनकी वहाँ पर पेशियाँ पड़ती हैं और उनके फिर वहाँ पर उनको शिफा हो जाती है शिफा होते हैं जिस तरीके से और दूसरी खानकाहों पर भी होता है अगर मैं इस सास्ताना की बात करूं तो यहाँ की क्या करामत है कि बताया जाता है कि यहाँ जन्नात हल्का करते हैं जन्नातों का पर जो, जो है ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं बराबर में सरकार अल्लाह मियाँ की जब आप शाजी मियाँ से मुरीद हुए तो शाजी मियाँ ने आपको यहाँ पर भेजा कि जाओ मौलवी साहब अल्लाह अल्लाह करो तो यहाँ पर यह मस्जिद जन्ातों वाली मस्जिद कहलाती थी यहाँ पर कच्ची जी मस्जिद थी बहुत छोटी सी बनी हुई और वहाँ पर लोग बताते हैं जो यहाँ पर मोहल्ले के लोग थे कि दिन में भी जन्नत नमाज पढ़ा करते थे आपने यहाँ पर अल्लाह अल्लाह का इतना विरध किया इतना ज़िक्र किया कि उनको यहाँ पर से जो शर्री जन्नात थे वो भगा दिए गए और बाकी आपके ताबे हो गए आज भी यहाँ पर ये यह चीज़ मौजूद है कि यहाँ पर हैं वो लोग अगर कोई यहाँ पर ग़लत हरकत करता है कोई ग़लत शैतानी करता है समझे नहीं तो उसको ज़रूर उसकी सज़ा मिलती है वो जन्नात आज भी यहाँ पर हैं बुज़ुर्गान दीन के आस्थानों से क्या पैगाम दिया जाता रहा है आप क्या कहना चाहेंगे बस बुज़ुर्गान दीन के मज़ारों पर से यही पैगाम दिया जाता है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन और शांति पैदा फरमाए और हमें आपस में सबको इत्तेफाक से और इतिहाद से रहने की तोफ़ी अदा फरमाए और हमारे इस आस्थानों पर जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर हिंदू भाई भी ज़ायरीन आते हैं शाहजी बाबा के दरबार में देखिए रोज़ सुबह शाम वहाँ पर मेला लगता है और हिंदू भाई भी आते हैं मुसलमान भाई भी आते हैं और सब आस्थानों से यह पैगाम दिया जाता है अमन और सुकून का कि आपस में इत्तेफाक रहे इतिहाद रहे और हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे कोई और ख़ास पैगाम देना चाहेंगे ख़ास मौके पर बस ख़ास मौके पर यही पैगाम है कि जो यहाँ पर हज़रात आए हैं वो भी अपने अपने घरों पर जाकर यही पैगाम दें कि हम आपस में इतफाक़ से प्यार मोहब्बत से रहें अमन सुकून से रहें और अपने मुल्क के लिए हर वक्त दुआ मांगें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन और शांति अता फ़रमाए यही दरबार होगा चलिए और भी ज़ायरीन हैं यहाँ पर जो मुल्क भर के अलग अलग राज्यों से आए आप कहाँ से आए हैं दिल्ली दिल्ली नाइन्टी फोर से कब से आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं क्या मुरीद हैं के हाँ मैं यहाँ से मुरीद हूँ मेरे वालिद साहब मुरीद हैं मेरा पूरा घराना मुरीद है कैसा लगता है यहाँ यहाँ हकीकत बात यह है कि दिल बागबाग बाग हो जाता है यहाँ पे आके जो दुनियादारी है वो दिमाग से निकल जाती है जो रूहानियत है वो दिमाग में बस जाती है ऐसा जी करता है कि बस इसी दुनिया में खो जाओ आप क्या कहना चाहेंगे यहीं रहते हैं कहीं से आए हैं आप हम शाहजहाँपुर से आए हैं यहाँ बचपन से आ रहे हैं और हमारे बाप दादा भी यहाँ आते रहते हैं काफ़ी पुराना ताल्लुक है हमारा दरगाहों से और काफ़ी सुकून मिलता है दिली सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद में और जो मतलब हमारी मुरादें होती हैं हसरतें होती हैं सब यहाँ हमें लगता है कि हमारी पूरी होती हैं आप कहाँ से मैं यहीं लखीमपुर बॉर्डर के किनारे पे से आया हूँ कब से आ रहे हैं क्या है में हम तो क्या बताएं हम हमारे बाली साहब दादा सब लोग आ रहे हैं जब से हो संभाला जब से आ ही रहे हैं बराबर और इस आस्थाने की तो बात ही निराली है हम जो भी कुछ मिलता है इनकी दुआओं से हमारा सब चल रहा है मामला और इन्हीं की सब हमारी नमतें मिल रही हैं इनकी दुआओं से इनके सदक़े में हम सब जी रहे हैं हमारा घर पल रहा है इनके सदक़े में और यह सच्चा आस्थाना है और करामात बताइए यहाँ के इनकी बुजुर्ग की कोई जो आपको ध्यान हो या आप, आपने देखी हो या आपके बुज़ुर्गों ने बताई कुछ हमने अपनी आँखों से जो करामतें देखी हैं और एक बार आ, हुजूर हमारे अब्दुल रशीद मियाँ किबल आलम सभी गौश आजम मेरे घर तशरीफ़ ले गए थे तो अंडे उबले हुए रखे हुए थे आपने कहा कि अंडे छीलो तो जो अंडे छीले तो उसमें अंडे में वो मींगी की थी नहीं थोड़ा सा छीला बिल्कुल खाली था तो कहा मियाँ इसमें कुछ नहीं बोले बंद करो बंद करो उसको बंद कर दिया फिर कहा फिर उसमें छूलो तो उसमें चूजे आ गए फिर उसको छीला फिर उसमें वही जो उबला हुआ अंडा होता है मींगी टाइप में वो एक करामत मेरे घर पर ही जाहिर हुई थी और एक करामत सरकार ताजुलियाद्दुलकदीर मियाँ हजूर की है एक अफलातून खान साहब थे गोरा के रहने वाले तो गरीब आदमी थे उन्होंने दावत की कि हुजूर मेरे यहाँ तशरीफ़ ले आएँ आप तो बड़ा कराम होगा नवाजिश होगी आपकी तो कहा ठीक है तो वो चले गए फिर उसके बाद में उन्होंने कहा चलो सब लोग अफलातून के यहाँ दावत है तो आपके साथ ढाई तीन सौ लोगों का लश्कर चला गया तो जब वहाँ पहुँचे तो खाना तो दस पाँच लोगों के लिए बनाया था वो गरीब आदमी था बहुत तब वो इधर उधर चक्कर लगाने लगा तो मियाँ हजूर तो समझ गए तो कहा अफलातून क्या मामला है तो उसने कान में कहा कि हुजूर हमें नहीं पता था कि आपके साथ इतने लोग आएंगे हमने तो थोड़े ही लोगों का इंतज़ाम किया है तो कहा घबराओ मत घबराओ मत अफलातून खाना तैयार हो गया है बोले जी हुजूर तैयार हो गया है तो आप खुद गए अपने आप और अपना रुमाल मुबारक उस पर डाला और कहा शुरू करो बिसमिल्ला करके फिर अल्लाह के नाम से खाना शुरू किया गया तो ढाई तीन सौ लोगों ने खाना खाया और उसके बाद भी जितना खाना अफलातून ने बनाया था उनका खाना बचा का बचा रह गया अच्छा ये बताइए जो बुज़ुर्गान दिन के आस्थानों से पैगाम दिया जाता रहा है कितनी ज़रूरत है मौजूदा वक्त में इस तरीके के पैगाम को आम करने की प्यार मोहब्बत इज्जती अब हमारे हिंदुस्तान में इन बुज़ुर्गान दिन के पैगाम से ही तो एक मोहब्बत कायम है वरना कौन मोहब्बत कायम करना चाह रहा है इनके आस्थाने पे जब हम आते हैं तो दुश्मन भी यहाँ आते हैं दोस्त भी आते हैं एक महफिल में हम बैठ जाते हैं तो इनका ही फैज हो, होता है कि वो यहाँ से हम लोग जो है आपस में मोहब्बत पैदा करके चले जाते हैं ये इनकी दुआओं का असर होता है कि यहाँ से दुश्मन भी दोस्त बनते हैं मौजूदा वक्त की जैसे अगर सियासत की बात करें तो मौजूदा वक्त के माहौल को देख करके क्या कहना चाहिए सियासत में क्या है सियासत का तो सियासत ही एक जमा दरगाहों को निशाना बनाया जाता रहा अब ये तो ये ऐसा है ना कि कुछ जैसे पहले भी हमारे आका के ज़माने से भी ये चला है कि कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि जो खिलाफत में रहे नहीं तो अल्लाह तारु तला चाहता सबको ईमान वाला बना देता ऐसे लोग होते ही नहीं लेकिन उसको भी कुछ देखना है कि हमारे कितने चाहने वाले हैं हमारे नबी के कितने चाहने वाले हैं नहीं तो सबको ईमान वाला ही नहीं बना देता पूरी दुनिया गैर मुस्लिम होते ही नहीं हमारी दरगाहों के बुरा कहने वाले होते ही नहीं सब मोहब्बत ही करने वाले होते तो, तो उसकी मर्जी है अल्लाह की तो कुछ कहना चाहोगे उनके लिए बोलो क्या मेरा तो यही पैगाम है कि भाई ये बुजुर्गान दीन है हमको यहाँ से फैज मिलता है तो इनके बारे में बुरा ना सोचें तो हाँ अगर वो चाहें इनको आजमाना चाहते हैं जिस दरगाह पे चाहें वो आज हमारे यहाँ तो आज भी ज़िंदा करामते हैं फैज आम है वो एकदम जारी शारी है यहाँ सारे दिन लंगर रहता है बच्चे पढ़ते हैं दो सौ ढाई सौ तीन सौ कहाँ से आता है ये सब इन्हीं का तो फैज है ये फैमिली को नहीं चला पा रहा है यहाँ तीन सौ ढाई तीन सौ लोग रोज़ खा रहे हैं तो ये ये ज़िंदा करामत तो है इनकी और क्या है उर्स के हवाले से बता दीजिए कितनी अहमियत है और क्या खसूसियत है मुबारक जी उर्स से अच्छा अच्छा ये जो अलिया क्राम के आस्थाने हैं इन पर हर मजहब व मिलत का इंसान आता है बग़ैर किसी झिझक के और ये तरीक़ा हमारा सरकार सल अला तसम की ताकद से चला आ रहा है कि सरकार ने भी बग़ैर तफरीक मजहब व मिलत हर इंसान की मदद की उसकी खैर खवाही की और उसकी परेशानी में आप उसके साथ रहे हमेशा तो वही हमारे बुज़ुर्गान दिन का तरीक़ा है कि आज भी दुनिया का परेशान इंसान इसको कहीं से शिफा नहीं मिल रही हो किसी तरह से परेशान हो लेकिन जब इन आस्थानों पर आता है तो दिली सुकून उसको मिलता है और यही वजह है कि आज भी ये आस्थाने इतनी नफ़रत और ए, मतलब क़ुदूरत के बावजूद मोहब्बत की जगह हैं बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा